जी, मोदी जी, मोदी जी कैसे? मोदी जी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र लेना है ये इसमें लग रहा है कि इसमें हिंदू राष्ट्र की पढ़ाई होती है क्या? होती है किसी पढ़ाई, लेकिन देश को भी पढ़ना पड़ेगा ना। अलग पांडे का हुआ फिजिक्स वाला, और अलग पांडे के द्वारा ये संस्था चलाई जाती है फिजिक्स वाला, उनके स्टूडेंट का कहना है कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदी है जब तक जिंदा है तब तक जिराते रहिए भगवान बीजेपी को। नहीं सुनो ना फिजिक्स, इधर आओ ना, क्या नाम बताया थे अपना? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू, उससे क्या होगा हमारी समस्या? बेरोजगारी खत्म होने वाली है, उससे तो खत्म होगी नहीं, इसलिए। अरे जात कौन बनाया, किसने बनाया? हम बनाया, किसने किस भाव को जी बतिया रहे हैं आप? तब तो ये बताइए, हाँ, काम का किए? काम बहुत कुछ काम किया ना, जिनकी नाम याद नहीं है। हाँ वैसा ही, कैसे? क्या नाम हुआ जी? निशांत मिश्रा, पंडित जी ये बताइए, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी या नीतीश जी? मोदी जी कैसे? मोदी जी हिंदू राष्ट्र लेना है ये इसमें लग रहा है कि इसमें हिंदू राष्ट्र की पढ़ाई होती है क्या? होती है किसी भी पढ़ाई, लेकिन देश को भी पढ़ना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ नहीं तो बेचा जाइएगा। हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होना है क्या? जो हम लोग का जो पत्थरबाजी ये सब हो रहा है तो वो सब बंद होगा और क्या। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू सबका ज्यादा ग्रोथ होगा। अलग पांडे ना, अलग पांडे का हुआ फिजिक्स वाला, और अलग पांडे के द्वारा ये संस्था चलाई जाती है फिजिक्स वाला, उनके स्टूडेंट का कहना है कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र से क्या 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 फायदा होगा, जरा हम बताइए दो चार फायदा क्या होगा क्या? आप देख रहे हैं, आप देखते रहते हैं कि मर्दे फिर बताइए ना, क्या फायदा? फिर मर्दे फायदा कांग्रेस राष्ट्र का बता दीजिए। हमको किसी को मतलब नहीं है, हम फायदा बताने वाले नहीं है। आप बोला ना हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा, ये हर चीज फायदा है। क्या फायदा बताइए आप? क्या पूछे आप? बताइए ना, कैमरा कैसे बंद कर डाल दीजिएगा वीडियो पे? तो वीडियो ही तो डाल, पढ़े वाला टी शर्ट खोल के आ रहे हैं, तब फिजिकल चालू करिए। ये देखिए आप, जो फिजिक्स वाला है वो हिंदू राष्ट्र की पढ़ाई पढ़ाता है आप लोगों को? पढ़ाई किसी पढ़ाई अपना, आप पूछे, आप क्वेश्चन मेरे से तब क्यों पूछे? आपसे यही पूछा मैंने कि 2024 में मोदी जी बनेंगे तो आप क्या बोले? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? ठीक है, हम बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला का इसमें क्या दोष है? फिजिक्स वाला का नाम रख रहे हैं, आप उसके स्टूडेंट है ना? आप उसके स्टूडेंट है ना? क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? हम लोग जो दिखता है ना मोदी जी का, आपको फायदा में कुछ भी नहीं दिखा आपको? वही तो मैं पूछ रहा हूँ साहब, क्या फायदा होगा? अब का नहीं है, अब का चाहिए आपको? अब का चाहिए आपको? हर चीज मिल रहा है आपको, वही ना बोल रहा, हर चीज मिल रहा है। क्या तो बताइएगा, कम ना, हर चीज का नाम होता ना साहब। अब फिजिक्स वाला का साइन हटाइए ना, फिजिक्स वाले का साइन ही पेन क्या पाए हो साहब, तो हम क्या बोलेंगे? आप बीच में मत लाइए फिजिक्स वाला को, आप बोल रहे क्या है ना साहब, तो फिर क्या बोले हम? वो भी है प्रभात यादव। प्रभात यादव ने बताया 2024 में मोदी जी बनेंगे या नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री? अगर हमारे समझ से लिया जाए तो अगर देश का प्रधानमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल जी बने। कैसे अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि हम अगर दिल्ली के, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, आपको प्रधानमंत्री के लिए लग रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पर चढ़ा दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किसका किसका नाम ले बताइए? अभी तो कांग्रेस में जो चल रहा है राहुल गांधी, उनका कंपेयर लीजिए, वो भी नहीं है, वो भी लायक नहीं है। कौन लायक? राहुल लायक नहीं है? राहुल नहीं है, कभी नहीं है। कौन है? अभी जो मोदी है जब तक जिंदा है तब तक जिराते रहिए भगवान बीजेपी को। नहीं सुनो ना फिजिक्स, इधर आओ ना, क्या नाम बताया थे अपना? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। निरंजन बाबू ये बताइए, हाँ, कि मोदी जी क्यों चाहिए मोदी जी, आखिर बता सकते आखिर? अच्छा हाँ। आप बताइए, अभी आप जहाँ इस जगह पे खड़े हैं, इसको विकसित करने में किसका हाथ है? किसका है? आज अभी तो आरजेडी का, आप जो आप नेताओं को देख रहे हैं, जहाँ खड़ा है इन चोरी काम नहीं, इसके बाद हिला के कहते हैं, जो मनीष का सबको जैसे जेल झल बजाया है ना, बहुत जहाँ कुछ नहीं होगा आरजेडी वाला का, देखिएगा। और जो सोच रहा है सपना, जो प्रधानमंत्री बनाएंगे, पूरा नहीं बनेगा। यूपी का है विकास, है बीजेपी का अध्यक्ष है, मतलब बीजेपी के पार्टी है कि नहीं? आप देख रहे हैं बीजेपी का जहाँ नाम है वहाँ जय श्री राम है, बस बहुत है। तो सुन तो लो इधर तो। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे थे आप? बीजेपी बोल रहे थे यूपी का जो है अभी, कहा योगी आदित्यनाथ है, कितना विकास हुआ ये बताइए आप? बिहार के कंपैरिजन में यूपी को देखिए कितना विकास हुआ है भाई। हर स्टेट के बंदे बोलते हैं, वीडियो देखिए आप कहीं को उठा लीजिए, हर स्टेट के बंदे बोलते हैं नहीं हमको यूपी जैसा सीएम चाहिए। अभी जो हम लोग का बिहार का सीएम है, अभी कुछ काम का तो नहीं है भाई, अभी सिर्फ लूट के खा रहा है लोग। आपको ये पता होना चाहिए, इतना पता भी है, जो मनीष कश्यप जेल में गया 2024 के इलेक्शन का बाद ही छूटेगा, ऐसे तो छूटेगा नहीं भाई। ऐसा बंदा अगर आ गया ना मनीष कश्यप जैसा, तो भाई
हम तो बोल नहीं सकते, मतलब 100% 80% बोल रहे हैं बिहार सुधर जाएगा भाई, इतना बोलना है, इसलिए हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करने से मनीष कश्यप निकल जाएगा? सपोर्ट करने से निकलेगा नहीं, पर सपोर्ट कर रहे हैं उसको भाई, करने से निकल जाएगा वो, हमको चिंता नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं भाई, अभी जो मतलब नीतीश कुमार है इससे विकास तो नहीं हुआ है, अब उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कम से कम। किनको? मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप लड़े, हम लोग चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी जो अभी जो कैंडिडेट है अभी बिहार में उनको लड़ना चाहिए। तो विधानसभा आरजेडी जीत के अभी कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पे, ये भी यही बात है, तो अभी बीजेपी को मौका देना चाहिए कम से कम। तो मनीष कश्यप को लड़वाना है क्या लोकसभा और विधानसभा? हाँ, वही बोल रहे हैं लोग, अभी निकालो जी इनको 2024 से पहले निकालो इनको। अच्छा। हाँ, और फिर लड़े वो हमारे लिए। अच्छा। ये बोल, मेरा नाम अनुज कुमार है। मनोज कुमार जी? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अनुज कुमार क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट जी? चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई हो। क्या नाम हुआ सर अपना? प्रभात कुमार। प्रभात जी, वोट डालते हैं? जी हाँ। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर नीतीश जी? ये तो बिहार की जनता, ये तो बिहार की जनता और भारत की जनता तय करेगी ना कि कौन से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, तो जो अभी बच्चा है, जो बात किया, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि उसका भी वोटिंग होगा कि वोट दे सकता है वो। लेकिन किस हक से वो बोला कि आरजेडी और नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो माननीय जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, वो तो कम से कम ये तो हुआ ना कि कनेक्टिविटी बढ़ा दिए। आज चलिए सुनिए सुनिए बाबा, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। कौन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी या नीतीश जी? देखिए, जनता तय करेगा, लेकिन ऐसे शासक हो जो कि जात पात नहीं करे, धर्म से ऊपर उठ के करे, और जो हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू, उससे क्या होगा हमारी समस्या? बेरोजगारी पर खत्म होने वाली है, उसे तो खत्म होगी नहीं, इसलिए। अरे जात कौन बनाया, किसने बनाया? हम बनाया, किसने? किस लिए? फोट पैदा करने के लिए किया कि आप अपने लड़ते रहो, मरते रहो, और लोग खाली जात पात करके राजनीति करना है, राजनीति को रोड देखना है। तो हम यही कहना चाहते कि जनता तय करेगी कि किसको वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया है, तो जनता जिसको चाहेगा उसको देगा, देगा तो देगा, ये नहीं कि फलन रहेगा फलन रहे। तब बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, कौन बनेगा देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी नीतीश जी? मोदी जी ठीक है केंद्र के लिए। मोदी जी ठीक है केंद्र के लिए? हाँ। कैसे ठीक है? कैसे देख रहे हैं कि अपना विकास कर रहे हैं बिहार के लिए, भारत में, केंद्र के लिए मोदी जी ठीक हैं? केंद्र के लिए कैसे कैसे क्या क्या कैसे देख ही रहे हैं हम लोग का कितना सुविधा दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यही चलते बतला रहे हैं। किस तरह का विकास हुआ है मोदी जी के राज्य में, आप देख रहे हैं ना साथ में जी? बताइएगा तब ना। बताइए, इतना आरक्षण दे रहे हैं हम लोगों के लिए, क्या क्या दे रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि क्या दे रहे हैं भैया? भक्त वाली बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अपना? क्या नाम हुआ? शंभू जी। शंभू जी, नीतीश जी या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश जी कहाँ बनेंगे प्रधानमंत्री, फालतू वाला बात बोल रहे हैं, कौची कर दिया, वो तो बेना पेनी के लोटा है। अच्छा, बात बतिया रहे, मोदी जी बनेंगे, मोदी जी अब कोई नहीं बनेगा, मोदी जी बनेंगे। हाँ जी, मोदी जी कैसे बनेंगे? अरे बहुत कुछ है उनमें, कितना बात बतावे, अनाज दे रहे हैं, बहुत विकास किए पाकिस्तान के, कर दिए, हाँ कुछ ही बतिया रहे हैं आप। तब तो ये बताइए, हाँ, काम का किए, काम बहुत कुछ काम किया ना, जिनकी नाम याद नहीं है, हाँ वैसा ही कैसे ये अनुभव, आप उसको खुरेदते हैं बढ़िया से, हमसे पूछिए ना, वही तो आपसे साफ बतिया दी, हाँ ये कितना साफ है, यहाँ देखिए कुर्सी लगा दिए, यहाँ ये देखिए, देखिए पहले था कुर्सी, इतना बढ़िया स्टेशन था, तब सब इस समय पटना में आप कर सकते थे रिपोर्टिंग, कितना बज रहा है अभी? 8 बज रहा है ना, 8 बजे आपका 8 बजे कर सकते थे पटना में रिपोर्टिंग, नहीं कर सकते थे मोदी जी के राज में कर रहे हैं? अरे आप देखिए, खुल के आप जिए, खुल के काम भी हो रहा है, आप कहीं भी जाइए, लड़का हो या लड़की, कहीं भी आप आज से देखिए आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, लोगों को 5 लाख का मिल रहा है दिखाने के लिए, जो अभी गरीबी रेखा से नीचे नक नहीं, उसमें जाति नहीं पात कुछ नहीं देखा जा रहा है उसमें, तो और भी क्या चाहिए? मोदी जी ने अच्छा काम किया आपके मुताबिक? हाँ, बहुत अच्छा काम किया। नाम बताइए। अरे जो चीज है हम आपसे पूछेंगे, आपने कहा काम किया, एक रुक जाइए साहब, इन्होंने कहा ना काम किया,
तो काम क्या क्या बताना पड़ेगा ना साहब? तब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा आपको, जो चीज बताना पड़ेगा इसका मतलब दिख जाएगा अगली बार 24 में आ रहे हैं ना, दिखेगा ऐसे नहीं दिखता किसी को भी। अब हम अगर मान लीजिए, हम पेपर देने जाते हैं, हमको पूरी किताब आती है, रुक जाओ पहले सबर करो। मान लो मुझे पूरी किताब रटी हुई है, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो क्या मुझे मिलेगा कुछ नंबर? मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक्सप्लेन कीजिए।